यशोदा तुझे कितनी बार समझाया लल्ला को बाहर मत छोड़ा कर, तुझे अक्कल नहीं है, किसी की भी हाथ में दे देती है। आज तो भगवान की कृपा बरस गई, अगर किसी दिन कुछ हो गया तो क्या। बच्चों को संभालना चाहिए। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं कि छोटे बच्चे, हम और जगपाल जा रहे थे कहीं, एक बच्चा चंद मिनट के अंदर गाड़ी के नीचे इधर से घुसा और इधर निकल गया। जगपाल के स्वामी जी क्या था, मेरे बच्चा बच गया, बाद में बताऊं ये क्या था, माइक्रोसेकंड भी नहीं। माँ आकर बोली कि हमने तू चली जा भी आज से, बच्चा ठीक है बस जा, अगर हमारी जगह दूसरा होता तो बच्चा रहता ही। तो अगर बेटी बिगड़ गई तो माँ की गलती, और बेटा बिगड़ गया तो बाप की गलती। जिस दिन पापा बोले ना वो दिन बाप को याद रखना चाहिए। माता पिताजी तो बोल ही नहीं सकते ना, तो पाप, पाप मतलब छोटी सी गठड़ी, पापा मतलब बड़ा कठोरा पाप का। माता श्री पिताजी तो बोलते ही नहीं, लोग आपको समझाने की कोशिश करो, आपका स्टैंडर्ड एजुकेशन ऐसे तो उठा टेक बाबा में ज्यादा कुछ आवे ना। थोड़े लोग जो कहते मम्मी, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ गया, मम्मी कैसे झटके बोलते हैं मम्मी। अब मम्मी का मतलब क्या होता है आप लोग समझदार, मरने के बाद किसी प्रेत को अगर संभाल के रखा जाए आकार आकृति देके तो उसे बोलते मम्मी। पहले कहेंगे पापा, है ना, थोड़ा और स्टैंड बोलेगा डैडी, थोड़ा और स्टैंड पर बढ़ गया तो डैड, और डैड मींस। अब घर में डैड और मम्मी रहेगा तो क्या हो गया, घर रह गया, संसार हो गया। वो इसलिए हेलो आए छोड़िए, और जय श्री राधे बोलिए। भारतीय संस्कृति की परंपराओं को देखिए, आप इसी में मत उलझे रहिए। ब्रज के लोगों ने आनंद मनाया और प्रभु की बार बार स्तुति की है। आज हमारे नंदलाल थोड़े से और बड़े हो गए हैं, अब बच्चे का स्वभाव तो थोड़ा सा नटखट है। बच्चा घर में पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, नामकरण संस्कार। आजकल बच्चों से बुजुर्गों से पूछे संस्कार क्या है तो बोले एक चैनल का नाम सुना है, बाकी नहीं पता। 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से संस्कारों की गणना शुरू होती है और अंत्येष्टि संस्कार तक। बच्चे का नामकरण संस्कार यानी आपके बच्चे का नाम क्या रखा उस पर भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। गर्गह पुरोहितो राजन सोमः व्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव तम दृष्ट्वा परमः प्रीतः प्रयुद्धाय कृताञ्जलि आनर्चादोक्षजधयः प्रणिपातुरः सुरम्। जी का आगमन होता है, अब कहते हैं यहां एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है पुरोहित। हम अक्सर कहते हैं ना कि जहां पर ब्रह्म और ब्राह्मण की उपासना नहीं होगी वहां कल्याण हो ही नहीं सकता, चाहे ट्रस्ट 20 करोड़ का हो। उसका कारण बताऊंगा, ब्रह्म और ब्राह्मण, परमात्मा श्री हरि ने भी हमेशा ब्राह्मणों की सेवा की है, चाहे वह यदुवंश में आए हो या क्षत्रिय बनकर ब्राह्मणों की सेवा की है, और विद्या अर्जन ब्राह्मणों से ही किया है। अब यहां एक लाइन आती है
कि पूजा ही विप्र सकल गुण हीना। मतलब ऐसा नहीं कि मांसाहारी ब्राह्मण के बराबर नहीं, यहां गुण तीन है प्रकृति में, तमो सतो और रजो। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्म तुल ब्राह्मण की हमेशा पूजा करनी चाहिए। पुरोहित, पुर का अर्थ किससे है, ग्राम से। पुर एक वचन हो गया, पुरो बहुवचन हो गया। हित कल्याण के लिए, जो ब्राह्मण अनेक नगर गांवों के लिए कल्याण के लिए ईश्वर से सदैव मंगल कामना करता हो, सदैव खोटा सुचार विधि से यज्ञ कर्म खट कर्म को करते रहता हो, उसे हम कहते हैं पुरोहित। यदुवंश में गर्गाचार्य पुरोहित का आगमन हुआ है, सब लोग खड़े होकर अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान के वहां तीन नाम निकाले गए हैं, पहला नाम है वत्सपाल, फिर गोपाल, उसके बाद गोविंद, इसके बाद तो भक्तों ने जिस नाम से पुकार लिया प्रभु उसी नाम से ढल गए। भगवान जब बछड़े के पीछे भागने लगे, बछड़े को पालने लगे, तब उन्हें कहा गया वक्ष पाल, और बड़े हुए तो गौधन पाल अस्तु गोपाल। गो का संकेत गौ से है, पालनहार यानी गौ के जो पालनहार हैं वो हमारे गोपाल, और बड़े हुए हैं तो गौधन विद अस्तु गोविंद। जो गैया के विद हैं, विद्वान हैं, वही हैं हमारे गोविंद। गौ की विद्वता, गाय जिस तरफ से जाती है, अभी आज आपको कुछ चीजें बता दूंगा मैं। गाय श्यामा गैया कर जा रही, पूर्ण रूप से श्यामा वर्ण की है, बच्चे को नजर लगा हो उसके दाहिने पैर के नीचे की मिट्टी अगर उसके माथे पे लगा दो नजर उतर जाए, और तब किसी की भी इम्यूनिटी पावर डिफेंसी खत्म हो जाए, कोई भी दवा जब ना काम करे, भले हॉस्पिटलाइज बैक्टीरिया इंफेक्शन हो जाए, ऐसी स्थिति में गाय जब जन्म देती है बच्चे को तो 10-12 दिन उसका दूध थोड़ा सा मोटा जाना रहता है, उसको हम लोग खीस कहते हैं। सर आप क्या क्या कहते नहीं जानते, हमारे खीस ही कहते हैं। उसको सुखाकर पाउडर बनाकर अगर एक एक चम्मच दोगे ना, तो बिस्तर पर पड़ा हुआ बंदा जिसका फ्लैट रेट एकदम डाउन होगा, जिसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कम होगी, वो भी उठकर खड़ा हो जाएगा। जिन माताओं का पीरियड्स आफ्टर बिफोर होगा, हार्मोन सब बैलेंसिंग होगा, वो भी डेवलप कर जाएगा, बालों का टूटना भी रुक जाएगा। कन्हैया जी इन चीजों को जानते थे। कुत्ते के ऊपर हाथ फेरना, हाथ में हैंड लेंस के देखना, वायरस बैक्टीरिया मिलेंगे, डिटॉल से 6 बार धो लेना वैसे ही मिलेंगे, और खाली खाली हमारी गौ माता के मस्तक पे से मुंह से हाथ लगाओ और पूंछ तक 5 बार घुमा दो बिना किसी साबुन के लगाए, आपके वायरस खत्म हो जाएंगे। ये मेरी गौ माँ की क्षमता है महाराज, कन्हैया जिसके विद थे। एक बार एक विद्वान विदेश में चर्चा करता है कि भारत में गौ को और गंगा को माता क्यों कहते हैं, इंडिया में आता है, इंडिया से वो गौ ले जाता है और गंगा जल ले जाता है, ब्राजील का पानी एक तरफ और गंगा का पानी एक तरफ, एक बॉटल्स में भर के रखता है। इंडिया से गाय को ले जाता है जो देसी गैया मैया है हमारी, गौ मां को लेकर जाता है गंगा के पानी को और ब्राजील के पानी को, उसने देखा 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष के बाद अगर उसने देखा तो ब्राजील के पानी के अंदर इतने बड़े बड़े कीड़े थे और इंडिया से जो गंगा का जल ले गया वो पहले जैसा निर्मल था। ये गंगा की कृपा है जो विदेशों में नहीं है।
आगा कि गंगे तो दर्शनात मुक्ति। जो गाय ले गया था उस गाय को रोज स्लो पॉइजन देने लगा, थोड़ा थोड़ा सा स्लो पॉइजन देता था और रोज गाय का मूत्र गोबर और दूध लैब में टेस्ट करता था। 90 दिन हो गए, उसका नित्र का कार्य था गाय को स्लो पॉइजन देना, उसके गोचरण अर्ग को, उसके गोबर को, उसके दूध को देखते रहना। मेरे भाई बहन आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, 90 दिन तक गाय को स्लो पॉइजन देता रहा लेकिन गोचरण में, दूध में, गोबर में कोई पॉइजन का अंश नहीं मिला और उसने त्राहिमाम कर दिया कि भारत के चार पैर की पशु जिसे वो पशु कहते हैं, हम माँ कहते हैं, जहर खुद पी सकती है, अपने बच्चों को पीने वाले में दूध में नहीं जाने देती, इसीलिए भारत में गाय को माँ कहा जाता है। यही कारण है कि बार बार भगवान का अवतार भारत में होता है, विदेशों में नहीं। हम नहीं जानते इन चीजों को। आज लोगों से कह दो भैया गाय पालो, अरे गुरु जी कौन देखेगा, उसके आगे पीछे देखने वाला ना मिले। गुरु जी हमने क्यों गाड़ी तो रखी है 20 लाख की। बोले जी तो यहां से वहां तक आने जाने में काम आवे, ठीक है। फिर इसके लिए देख रहे, बोले जी 8,000 रुपया महीना ड्राइवर है, उन्हें गाय की सेवा के लिए आदमी ना मिले। बोले जी वो तो चल जा। वाह रे मेरे मूर्ख विद्वानों, जो खाली दिल्ली हरियाणा भारत के रोड पर घुमाएगी उसके लिए 8,000 रुपये महीने का ड्राइवर रख सकते हो, और जो उस धाम की यात्रा कराती है उसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। आपको आर्थराइटिस हो गया, आप सारी दुनिया में भटक लो, वो ना आर्थराइटिस हो गया, आपको कोई डॉक्टर दवा नहीं देगा, देगा तो टेम्परेरी रिलीवर देगा, कैल्शियम की टेबलेट देगा, एक्सटर्नल पेन किलर आइलमेंट देगा, पेन किलर टेबलेट देगा, इसमें स्टेराइड साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन नोट कर लो, 250 ग्राम हरड़, 250 ग्राम बहेड़ा, 250 ग्राम आपका आंवला और 25 से 40 तुलसी के पत्ते 1.5 लीटर गौमूत्र में भिगा कर रख दो, बछड़ी के गौमूत्र में, पूरा वो अपने आप में सोख ले, कूट दो, छांव में सुखाना, धूप में नहीं, पाउडर बना लेना, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से खाना, और शाम के गौमूत्र को रोक कर दूसरे दिन उसी से घुटने पे मालिश करना, आपका संधिवात दूर हो जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप 10,000 रुपये के डॉक्टर को दवा दे सकते हो लेकिन दरवाजे पे एक गाय नहीं बांध सकते हो। तो कन्हैया जी हमारे इसके विद थे, गौ धन विद अस्तु गोविंद। कन्हैया जी का नामकरण संस्कार हुआ है, ब्रज में आनंद की घड़ी है, आए चंद बलहरी संकीर्तन करते हुए पुनः कथा करते। छोटी छोटी कन्हैया, छोटी 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 कैया, छोटे छोटे छोटो सो, छोटो सो, छोटो सो मेरी छोटो सो मेरे लो, मेरे को।
आप भी अपने शादी का एल्बम देखना जीतू बाबू,
बताना ये तेरी मम्मी है, ये तेरी बुआ है, ये तेरी मौसी है। बच्चा बोलेगा इसमें मेरी फोटो कहाँ है, क्योंकि वो विवेक ही तेज है उसका। आज कन्हैया जी ने कहा इस मटके में हाथी को बिठाओ और चंदा को लेकर आओ। बड़ा सुंदर भाव है, लोग गाते हैं लेकिन इसका भाव समझाते नहीं। कन्हैया जी के अंदर जो वात्सल्य भाव है, इस गीत को आपने बहुत बार सुना है, पर इन गीतों में जो शब्दों की सुंदरता वो समझने की बात होती है। यशोदा जी ने आज कन्हैया को एक थाली में पानी भर दिया है, उजाली रात है, और कहते हैं देख इसमें चंदा है। कितना सुंदर वात्सल्य भाव, बेकार ही है। कहती है थाली में पानी है ना, ये प्रज्ञा पता आपको, आज भी जब कभी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए ना, उनपे वो पड़े असर, ऐसा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पूर्व समय की ये व्यवस्था है सनातन की, अगर आपको ग्रहण देखना है तो ग्रहण के समय हरि स्मरण किया जाता है, पार्टी नहीं मनाई जाती है। जब कभी ग्रहण हो तो भगवान का संकीर्तन करते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसके बाद स्नान ध्यान करके दान वगैरह की प्रक्रिया होती है। और अगर देखना होता तो गाय के खुर से जो खड्डा बन जाए उसके पानी के अंदर देखने की विधि थी सनातन की रीति से। गाय के खुर से जो खड्डे बन जाते उसमें, या फिर थाली भर के नीचे रख देते थे, ऊपर नहीं देखते, नीचे दिखते थे कि ग्रहण कितना लगा। तब हमारे भारत के लोग नहीं मानते थे। वास्तव में आजकल नहीं, कुछ नहीं होता भाई मेरे। भारत में ऋषि शब्द से ही रिसर्च शुरू हुआ है, और अगर भारत में ऋषि नहीं तो रिसर्च हो ही नहीं सकता। तब हमारे विद्वानों ने कहा सूर्य के चंद्र ग्रहण की वेला में, इस समय में गर्भवती महिला बाहर ना जाए तो आपने ठुकरा दिया। आज जब आपका डॉक्टर कहता है कि जहाँ एक्सरे मशीन चलती हो, लाइट का रिफ्लेक्शन हो, वहाँ गर्भवती महिला ना जाए, तब आप स्वीकार कर लेते। एक साधारण मशीन के रिफ्लेक्शन से बच्चे पे असर पड़ सकता है, तो सनलाइट के इफेक्ट से कितना बड़ा पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। खैर अभी मैं कथा करने बैठा हूँ, मेडिकल की तरफ ना जाऊँ तो ज्यादा अच्छा है, पर क्या करें, वो आ जाती है कभी बात। आहार विहार स्वयं सोच और वृत्ति, इन्हीं पे आपका पूरा जीवन टिका है। कन्हैया जी को यशोदा मैया ने एक थाली में पानी भर दिया और कहा ये चंदा है खेल ले। बोले मैया बहका मत मुझे। कन्हैया जी जिद कर बैठे हैं और माँ समझा रही है। कन्हैया कहते हैं मैया मोरी, हे मैया मेरे चंद्र खिलौना ले हो मैया मेरे। में यह बही
बाहर ने देख लिया है ये सोदा विवस है। अब कहीं ने बात तो मोड़ दी, बोले माँ ये बताइए चंद्रमा पैदा कहाँ से हुआ? के बेटा ये तो क्षीर सागर से निकला। बोले अच्छा भैया, तो क्षीर का मतलब अमृत भी होता है? बोले भैया क्षीर का मतलब अमृत हो, बोला है दूध दही घी पंचामृत सब अमृत है। तो कहे गैया किसकी है? बोले भगवान की। तो बोला मैं ही तो भगवान हूं। कहिए बता भैया क्षीर सागर से और क्या निकला? भैया ने सारी गणना करा दी है, रावत निकला, विष निकला, अमृत निकला। जैसे यशोदा के मुख से निकला कि बेटा लल्ला क्षीर सागर से विष निकला, अगला शब्द बोले नंदलाल ने मुंह पकड़ लिया, बोला मैया रुक जा आगे नहीं सुनना मुझे तेरी मैया रुक जा अगले मैं नहीं सुनी। तो मुझे यह बता मेरी माँ, क्या उसी क्षीर सागर से चंदा निकला जिस क्षीर सागर से यह विष निकला? बोले हाँ लल्ला। कन्हैया जी ने कहा माँ अब मुझे चांद से नहीं खेलना है। अरे माँ अगर उसी क्षार सागर से उसी क्षीर सागर से विष निकला उससे चंद्रमा निकला तो बच्चे का तो स्वभाव है खेलते खेलते मुंह में हाथ दे देने का मेरी माँ, और अगर चंद्रमा में इतना सा विष हुआ तो मैं मर जाऊंगा मेरी माँ, मैं मेरे गौ माँ से और यशोदा माँ से दूर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अब चंदा का खिलौना ही नहीं चाहिए। कन्हैया जी ने वहां आकर सुना कि अगर जरा सा भी विष लगा हो छोटी अवस्था में मेरे ठाकुर ने यह मर्यादा बताई है कि मैं गऊ और गौ मैया से दूर नहीं रह सकता, यशोदा मैया से नहीं रह सकता, और आज हम क्या कहें पढ़े लिखे मूर्खों को 300-500-1000-200 रुपये की गाय को कसाईयों को लोग बेचते हैं। खैर यहाँ पर तो बड़ा वैसी व्यवस्था है, गाय लोग रख ही कम पाते हैं, लौंडी व्यवस्था नहीं है। कहते हैं कि गाय ने बछड़ा देना बंद कर दिया तो कटवाए तो, अरे भारत सरकार की गवर्नमेंट का सत्यानाश हो जाए, राजनीतों का बेड़ा गर्क हो जाए। इन्हें एक जीआर पास कर दिया है बीफ के लिए, बहुत पहले है वो बिल में कि 16 वर्ष के बाद ये उपयोगी नहीं, इसका कुछ भी कर दिया जाए कोई उपयोग नहीं। 16 साल के बाद अगर वो तुम्हारी माँ के साथ कोई कान पे लपड़ मारे तो कैसे सहन करोगे? अगर माँ का अपमान सहन नहीं कर सकते तो हमारे हिंदुओं को गौ का अपमान नहीं कहना चाहिए, ये सनातन कहता है। गौ गंगा गुरु गायत्री यही तो है भारत की संस्कृति, अतिथि देव हो मातृ पित देव हो गुरु देव। कन्हैया जी और बड़े हो गए, कन्हैया जी बक्षपाल हैं, अभी क्या हो गए हैं बक्षपाल, अब बछड़े के पीछे जाने लगे हैं, वहां लोग सताते हैं। कन्हैया जी काले हैं तो लोग कहते तू काला है ना, तू यशोदा का बेटा नहीं है, मैया मोहे दाऊ दोनों की जाओ, तुम काले हो ना, सारी ब्रज की बालाएं आती है रही यशोदा, तेरे लल्ला ने आज मेरे घर में माखन चुराया। कोई कहती है आज मेरे घर में माखन चुराया।